स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे वेदांत दर्शन के सिद्धांत के बारे में। वेदांत दर्शन की आचार मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम इसके सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। तो वेदांत दर्शन के निम्नलिखित सिद्धांत हैं: ब्रह्म की अवधारणा, जगत की अवधारणा, माया की अवधारणा, जीव की अवधारणा, जीव और ईश्वर की अवधारणा, ब्रह्म और जीव की अवधारणा, आत्मा की अवधारणा और मोक्ष की अवधारणा। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्रह्म की अवधारणा के बारे में। तो ब्रह्म की अवधारणा क्या है? शंकराचार्य ने ब्रह्म को ही एकमात्र सत्ता माना है, यानी जो ब्रह्म है वही केवल सत्य है। उन्होंने ब्रह्म को ही सत्य माना। शेष सभी वस्तुएं जैसे ईश्वर, जीव, जगत, इन सबको क्या कहा कि यह केवल एक प्रपंच है, यानी माया है। शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जो जगत है वो क्या है? मिथ्या है। इस ब्रह्मांड की रचना किसके द्वारा हुई है? ब्रह्मा के द्वारा, यानी ब्रह्म के द्वारा। और उसका जो मूल तत्व है वो क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म से ही, ब्रह्मा के द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना हुई। तो एक प्रकार से कहें, जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर के जो उसका द्रव्य होता है उसके द्वारा अपने श्रम से क्या करती है, एक मकड़ जाल बुनती रहती है, अपना जाला बुनती रहती है, उसी प्रकार जो ब्रह्म है वो क्या करता है, इस संसार की रचना करता है। ब्रह्म इस संसार का निर्माण किसके द्वारा करता है? अपनी माया शक्ति के द्वारा ही उस संसार की रचना करता है। शंकराचार्य ने जो सत्ता बताई वह तीन कोटियां सत्ता की बताई: परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। तो ब्रह्म परमार्थिक सत्ता की दृष्टि से क्या है? पूर्णता सत्य है। इसे देखिए, इन्होंने सत्ता की तीन कोटियां बताई हैं: परमार्थिक, व्यवहारिक और प्रतिभाषिक सत्ता। तो जो परमार्थिक सत्ता है वो क्या करती है? शुद्ध सत्ता है, जो ना बाधित होती है और ना जिसके बाधित होने की कल्पना की जा सकती है। इसके अनुसार क्या है कि वह अनंत, सर्वव्यापी व सर्वशक्तिमान कौन है? ब्रह्म ही है। वह निर्गुण है, निराकार है। माया के कारण वह क्या होता है? अनेक जीवों के रूप में हमको प्रतीत होता रहता है, क्योंकि ब्रह्मा क्या है? स्वयं ज्ञान है। माया के आवृत होने से क्या होता है? ब्रह्म ईश्वर हो जाता है। और ईश्वर क्या है? व्यवहारिक सत्य है। और ब्रह्म जो है परमार्थिक सत्य है। ब्रह्मा का अस्तित्व देश काल से क्या होता है? परे होता है। जो ब्रह्मा है उसका जो अस्तित्व है वो हमारे समय और देश काल के अनुसार नहीं चलता है, वो क्या होता है? उससे परे होता है। ब्रह्म स्वतः सिद्ध है। शंकराचार्य ने क्या कहा कि ब्रह्म जो है वह स्वतः सिद्ध है, इसलिए उसको सिद्ध करने के लिए, यानी जो स्वयं ही सत्य है उसे सिद्ध करने के लिए क्या किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यानी ईश्वर ही सत्य है। इसी प्रकार जगत की अवधारणा, तो जो जगत की अवधारणा है शंकराचार्य के अनुसार, जैसे उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य और जीव मिथ्या, यानी जगत मिथ्या। जगत कैसा है? परिवर्तनशील है। समय समय पर क्या होता है? इसका निर्माण होता है और यह क्या होता है? नष्ट भी हो जाता है। इसलिए जो जगत है वो कैसा है? मिथ्या है, असत्य है। किंतु अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से बात करें तो जगत कैसा है? सत्य है।
क्योंकि इस जगत में ही हम रहते हैं और यही हम अपना व्यवहारिक जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए जगत जो है क्या है वो व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है। क्योंकि इस जगत में रहकर ही क्या करता है मनुष्य, अपना ज्ञान, कर्म, भक्ति, मोक्ष आदि की प्राप्ति करता है। तो शंकराचार्य ने जगत को समझने के लिए भी सत्ता की तीन कोटियां बताई, वही परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। तो जो हमारी परमार्थिक सत्ता है वो क्या कहती है, एक सुप्त सत्ता है जो न बाधित होती है और न जिसके बाधित होने की कल्पना की जा सकती है। इसी प्रकार व्यवहारिक सत्ता ये क्या है, जागृत अवस्था में व्यवहारिक सत्ता सत्य प्रतीत होती है, यानी जो हम व्यवहारिक जगत है वो क्या है, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, हर चीज को समझ रहे होते हैं, उस समय क्या होता है, यही सत्ता सत्य होती है। इस सत्ता का तार्किक रूप से खंडित किया जा सकता है, इसलिए इस सत्ता को पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है। यानी जो व्यवहारिक सत्ता है वो क्या होती है, प्रतिभासी सत्ता की अपेक्षा अधिक सत्य है, किंतु परमार्थिक सत्ता की अपेक्षा क्या है, कम सत्य है। जगत मिथ्या का प्रतीत होता है, तभी प्रतीत होता है जब उसकी व्याख्या कैसे परमार्थिक दृष्टि से की जाती है, तो जो है यह सत्ता जो है क्या होती है, मिथ्या प्रतीत होती है। इसी प्रकार शंकराचार्य ने क्या कहा कि जगत को स्वप्न की तरह माना, जैसे स्वप्न की अनुभूति स्वप्न के दौरान ही प्रतीत होती है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो क्या होता है, उस समय स्वप्न जो भी हम स्वप्न देखते हैं ब्रह्मस हमको क्या लगता है, वही सत्य लगता है जो हम अपने स्वप्न में देख रहे होते हैं। किंतु जब हमारी नींद टूटती है और जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो इस बात का खंडन हो जाता है कि हम जो कुछ देख रहे थे वो क्या था, एक स्वप्न था, वो सत्य नहीं था। उसी प्रकार ये प्रतिभासिक सत्ता है स्वप्न अथवा भ्रम में उपस्थित, मतलब बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है हमको। और जब इसका खंडन कब होता है, जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो इस चीज का खंडन हो जाता है कि वह प्रतिभासिक सत्ता कैसी है। तो इस प्रकार क्या रहा कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म परमार्थिक दृष्टि से सत्य है, जबकि जगत कैसा है, व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है। तो जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, परमार्थिक दृष्टि से देखें, तो कौन सत्य है, ब्रह्म। किंतु जब हम व्यवहारिक धरातल पर आ जाते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं, तो कौन सत्य होता है, जगत। नेक्स्ट है माया की अवधारणा। माया की अवधारणा कैसी है, इस जगत में रहते हुए हमें क्या होता है, विविधता में अनेकता दिखा, मतलब जो विविधता और अनेकता हमको दिखाई देती रहती है। क्योंकि जगत क्या है, एक माया है, उस माया में ही फंस करके हम जगत को सत्य मानने लगते हैं। आदिकाल से क्या होता आया है कि परमात्मा के साथ हम कहते हैं कि परम शक्ति विद्यमान है, वही क्या है, माया कहलाती है। माया को ही हम क्या कह सकते हैं, अविद्या भी कह सकते हैं, क्योंकि जो माया है वो अज्ञान ही तो है, अज्ञान के कारण ही हम इस माया में फंसते हैं, इस संसार में फंसते हैं, माया जाल में फंसते हैं, तो वो क्या है, एक अविद्या है। तो इस प्रकार जो है हम क्या करते हैं, माया में फंस जाते हैं। और माया ना तो सत्य है और ना ही असत्य है, या इसका ना तो हम वर्णन कर सकते हैं और ना ही इसको खंडन कर सकते हैं। तो एक तरह से कहें तो जो माया है वो क्या है, परमात्मा अपनी शक्ति, परमात्मा की शक्ति क्या है, माया की सहायता से वो क्या करता है, जगत की रचना करता है, एक उस संसार में हमको फंसा देता है और हम क्या करते हैं, उसी को सत्य मान लेते हैं। किंतु क्या है,
वो माया सत्य नहीं होती है। इसी प्रकार ब्रह्म ही सृष्टि की रचना उसके उपादान का कारण है। ब्रह्म का संबंध माया के सत्य होने के कारण ही उसे ईश्वर कहा जाता है। यानी वे सभी प्राणी जो माया द्वारा उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। और माया के कारण, अविद्या के कारण हम क्या करते हैं, जो जीव है वो ये भूल जाता है कि ईश्वर उसका सृजन करता है। यानी उसका जो पिता है वो कौन है? ईश्वर। ईश्वर ने ही उसकी रचना की है। और क्या भूल करके वो क्या करता है, जो जीव जो होता है वो स्वयं को ही एकमात्र स्वतंत्र सत्ता मान लेता है। उसको लगता है कि जो भी है, जो कुछ भी है, करता धरता सब कौन है? मैं हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही इस अपने जीवन का संचालन करता हूँ। और अपने क्या करते, अपने शरीर मन तथा इंद्रियों में ही सिमट कर रह जाता है वो। इसी अज्ञान के कारण क्या होता है, जीव पाप और पुण्य भी करने लगता है। यानी पाप पुण्य का वो भागी बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो जो भी अच्छे बुरे कर्म करूँगा वो सब मैं अपने आप से फल उसके निश्चित कर लूँगा। और इसी के कारण, इससे क्या होता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन में जीव को बंधना पड़ता है। किसके कारण? जो उसके कर्म है उनके कारण। वो जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको भोगना पड़ता है। जब जीव को यह ज्ञान हो जाता है किस चीज का, कि वह परमात्मा जो है उससे उसका संबंध उस अज्ञानता, मतलब जैसे जैसे उसको ज्ञान होने लगता है कि वो परमात्मा ही सत्य है, मैं सत्य नहीं हूँ, माया का बंधन टूटता है, वैसे वैसे उसके अज्ञान का अंधेरा जो होता है वो धीरे धीरे कैसा हो जाता है, छटने लगता है। उसको समझ में आने लगता है कि नहीं, क्या है वो, ईश्वर ही सत्य है। और फिर क्या होता है, वो माया जाल से मुक्त होने लगता है। माया जाल के बंधन उसके जो है वो छूटने लगते हैं और वह निष्काम प्रवृत्ति से, मतलब अपना कर्म बिना फल की चिंता किए हुए करने लगता है। और जब वो ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। जब उसको माया से उसको मुक्ति मिलती है तो वह उस ब्रह्म में ही लीन हो जाता है और उस ब्रह्म को ही सब कुछ समझने लगता है। नेक्स्ट है जीव की अवधारणा। जीव की अवधारणा जैसे अद्वैत दर्शन के अनुसार क्या है, जीव यानी जो प्राणी है वो किसकी, माया की रचना है। इसलिए जीव का कारण माया यानी अविद्या है। माया किसको माना, अविद्या को। तो जीव क्या है, ज्ञाता है। वह ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ब्रह्म तथा जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। जीव और आत्मा में कैसा अंतर होता है, व्यवहारिक अंतर होता है। आत्मा की परमार्थिक सत्ता है, परंतु जीव की कैसी है, व्यवहारिक सत्ता है। जो आत्मा है वो ईश्वर से मिलना चाहती है, लेकिन जो जीव है वो इस व्यवहारिक जगत में भटकना चाहता है, उसी में अपना मन लगाए रहता है। तो इस प्रकार अगर कहें तो जीव कैसा है, सांसारिक है। इसलिए जीव को क्या माना गया, इसे कर्ता, अनुभव करता और ज्ञाता भी माना जाता है। किंतु आत्मा जो है वो कैसी है, वो संसार से परे है, इसलिए उसको कोई आकार नहीं दिया जा सकता है। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा जो है मुक्त है, परंतु जीव क्या है, बंधन युक्त है। मतलब जीव बंधन में फंसा रहता है। जब जीव अपने प्रयासों के द्वारा मोक्ष को पा लेता है तो शरीर के नष्ट होने के बाद वो क्या होता है, आत्मा में लीन हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्म।
कहें तो ब्रह्म और जीव कैसे हैं, अभिन्न हैं। जिस प्रकार अग्नि से निकलती हुई चिंगारियां अग्नि से अभिन्न है, उसी प्रकार जीव क्या है, ब्रह्म से अभिन्न है। यानी जीव और ब्रह्म के बीच हमको जो भेद दिखाई देता है वह क्या है, वह भेद नहीं है, यानी वह सत्य नहीं है। दोनों का जो भेद है वो कैसा है, व्यवहारिक है। यानी जो व्यवहारिक जगत में आ जाता है जीव, तो उन दोनों में भेद हो जाता है, और यही भेद, व्यवहारिक भेद ही आत्मा और जीव के बीच में भेद है। शंकराचार्य ने कहा कि तत्वमसि, यानी आत्मा और जीव की अभिन्नता को प्रकट करने के लिए उन्होंने तत्वमसि कहा। जो तत्वमसि है, तत्व का अर्थ है ब्रह्म और त्वा का अर्थ है जीव। इन दो शब्दों के योग से तत्वमसि शब्द बना, तत् का अर्थ ब्रह्म और त्वा का अर्थ जीव। यानी वही ब्रह्म है और वही जीव है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। यही अद्वैत दर्शन भी यही कहता है कि आत्मा, ब्रह्म और जीव क्या है, दो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। इसी बात के उन्होंने, शंकराचार्य ने भी कहा, आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो ब्रह्म और जीव एक ही है, ना कि अलग अलग। इसे हम जब जीव को क्या हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो वह समझ जाता है कि नहीं, क्या है, आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। और जब उसको यह ज्ञान हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। यानी आत्मज्ञान हो जाना, यानी ब्रह्म का ज्ञान हो जाना। यह स्थिति कौन सी होती है, यह वो स्थिति होती है जो हमको मोक्ष के मार्ग पे ले जाती है। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान को मोक्ष ज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा आत्मा की अवधारणा। आत्मा, अद्वैत वेदांत क्या कहता है, आत्मा को परम तत्व कहता है। शंकराचार्य ने क्या कहा कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व के दो नाम हैं। यानी आत्मा और परमात्मा एक ही है। सोल, आत्मा जो है वो कैसी होती है, अजर और अमर होती है। माया के कारण ही वह जीवात्मा का रूप लेती है और इस संसार में भटकती है। और जब क्या होता है, आत्मा को, मतलब मनुष्य को क्या होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, वह ये जान जाता है कि आत्मा जीवों का सर्वाधार है, तो वो क्या होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अद्वैतवादी दर्शन के अनुसार भी यही है कि आत्मा शाश्वत सत्य है, शुद्ध है, आनंदमय है और ज्ञान है। इसका अस्तित्व ही स्वयं सिद्ध है। यानी आत्मा ही जो कुछ भी है, सब आत्मा ही है, वही सत्य है, वही अनादि अनंत और पुरातन है। तो इस प्रकार आत्मा ही क्या है, शरीर में वास करती है, परंतु सुख और दुख का अनुभव कौन करता है, वो आत्मा नहीं करती, ये शरीर करता है, क्योंकि शरीर जो है नाशवान है। इसलिए हमारा जो शरीर है यही उस सुख दुख का अनुभव करता है, ना कि आत्मा। आत्मा अपरिवर्तनशील है, यह परिवर्तन नहीं होती है, क्योंकि यह स्थान और समय के साथ बंधी हुई नहीं है। वेदांत दर्शन में क्या कहा गया कि आत्मा ब्रह्म दोनों समान सत्य हैं। जिस प्रकार ब्रह्म सत्य है, उसी प्रकार आत्मा भी सत्य है। इसीलिए उन्होंने अद्वैत कहा कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। जैसे
तत्वमसि सिद्धांत के अनुसार भी हमने यही जाना कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, इसलिए वेदांत दर्शन भी यही कहता है कि आत्मा व ब्रह्म दोनों समान सत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा मोक्ष की अवधारणा। मोक्ष की अवधारणा भारतीय दर्शन क्या कहता है, मोक्ष की ही बात करता है। मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। तो इस प्रकार मोक्ष को अलग अलग समय में अलग अलग नामों से पुकारा गया, जैसे बौद्ध मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं और जैन निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं, इसी प्रकार और हिंदू धर्म क्या कहता है, मोक्ष की बात करता है। तो मोक्ष की अवधारणा जो है वो यही कहती है कि जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम सत्य है, वो यही है कि हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इसको कैवल्य भी कहते हैं, मुक्ति भी कहते हैं, लेकिन क्या है, इन सब का अर्थ जो है वो एक ही होता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति। तो आत्मा को क्योंकि परमात्मा में लीन हो जाना है, इसलिए जीव का जीवन मरण जो है क्या होता है, बंधन से दूर हो जाना है। शंकराचार्य ने कहा कि जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप कौन है, वो ब्रह्म। तो जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में ब्रह्म में लीन होने के लिए सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है, तो क्या होती है, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब उसको यह ज्ञान हो जाता है कि यह संसार क्या है, केवल एक बुलावा है, इसमें हम फंसे हुए हैं, जब वह उसका ज्ञान कर लेता है, सत्य का ज्ञान कर लेता है कि ब्रह्म ही सत्य है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो वो क्या होता है, सांसारिक बंधनों से जब मुक्त होने का मार्ग खोज लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात कहे तो जीव को आत्मज्ञान कैसे हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हो जाता है। जब उसको आत्मज्ञान हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शंकराचार्य ज्ञान योग को कर्म योग से बड़ा मानते हैं, परंतु ज्ञान मोक्ष के लिए भी क्या है, निष्काम कर्म की आवश्यकता होती है। मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब हम क्या करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे। अगर हम पहले से ही फल की चिंता करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए उसके लिए निष्काम भाव से हमको कर्म करना होगा। कर्म के अनुसार ही क्या होता है, जीवन मरण के बंधन से व्यक्ति बना रहता है। वो संसार में जैसे कर्म करता है, उसी के अनुसार उसको बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। तो जैसे कर्म करोगे, निष्काम कर्म करोगे, तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, निष्काम कर्म वही व्यक्ति कर सकता है जिसको क्या हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, वही व्यक्ति क्या होता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब जीव को आत्मज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। तो आज हमने अपने क्लास में वेदांत दर्शन के सिद्धांतों के बारे में जाना, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।